आज हम बनाएंगे एक सिंपल चिकन करी, लेकिन ढाबा स्टाइल, काफी सारा देसी घी। हम लेंगे अपने गरम मसाले, सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहेगा ना इसमें रेसिपी हो रहेगा इलायची में, बाकी गरम मसाले नॉर्मली डाल रहे हैं जितने चाहिए होते हैं, उसमें कुछ नहीं बढ़ा रहे। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा। हम 1 किलो चिकन बना रहे हैं और कम से कम 1/2 किलो से ऊपर हमारे प्याज। अब ये शुरू होता है मेहनत वाला काम, क्योंकि अगर ग्रेवी खानी है और वेजिटेरियंस को भी कन्वर्ट करना है खाने के लिए, तो भाई साहब प्याज डालना ही पड़ेगा। और अभी मेरे ख्याल से थोड़े 5 मिनट और लगेंगे जब तक ब्राउन नहीं हो जाते, हमें ब्राउन कलर चाहिए। सो गाइस, जब आपके प्याज बिल्कुल ही ब्राउन हो जाए उसके बाद ज़्यादा टाइम ही रहता है आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। 1 चम्मच भर के फिर वो डाल सकते हो, पूरा का पूरा डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको इसमें मिक्स कर देना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम चिकन लेंगे अपना, एंड हम सिर्फ लेग पीस यूज कर रहे हैं विद थाई, यही खाने में मजा आता है। ब्रस्ट व्रुस्ट खा लेंगे लोग नहीं हम लोग। अभी चिकन भी अपना पानी छोड़ रहा है, तो हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च डाल रहे हैं। और अब जो स्पेशल जो कलर आता है ना बाजार वाले चिकन करी का, वो आता है कश्मीरी लाल मिर्च से, तो उसमें कोई कंजूसी नहीं दिखाएंगे, वो भर भर के डालेंगे। हम डाले इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच भर भर के, जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे इस टाइम पे, और फ्रेश डालिए आप, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा पहले डालते हैं थोड़ा बाद में डालेंगे, एक फ्रेशनेस आती है। जैसे ही हमारा इसमें ऑयल अलग हो गया, इसमें दही डालेंगे। तो मटन करी के कंपैरिजन में इसमें दही ज़्यादा डलती है। हमने इस वक्त 5 थोड़ी स्लो कर दी है। तो इसमें नमक डाल रहे हैं हम लोग, सॉल्ट टू टेस्ट। हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। और अभी इस वक्त देखिए क्या है कि ऑयल अलग हो गए, अच्छे से मसाला पक चुका है दोबारा। अब टाइम है से पानी ऐड करने का। तो हम वी विल कुक इन ऑन अ वेरी स्लो फ्लेम। तो हम लोग वेट कर रहे कि उबाल आ जाए इसमें, फिर इसको ढकेंगे और स्लो आंच पे पकाएंगे इसको। तो गाइस, हम इसको अब कवर कर रहे हैं और आंच को कर रहे हैं थोड़ी सी स्लो, देखते हैं इसको 10 मिनट बाद के क्या रंगत आती है, और अपने हिसाब से आप चेक करते रहना। सो गाइस, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसको आपने इंडिविजुअली देखना किस बर्तन में बना रहे हो, हमारा थोड़ा इसमें जल्दी बन जाता है कि कॉपर का बर्तन है। और इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं एंड में, और थोड़ा इसको आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हो। अगर आपने चावल के साथ खानी है तो ग्रेवी लाइट रखो, परांठों के साथ खानी है या तंदूरी खानी है तो थोड़ी बहुत डार्क रखो। लेकिन यूजुअली अभी जितनी ये ग्रेवी आपको दिख रही है ना, इससे ही अभी हम इसको कम से कम 5 मिनट और पका के ढक के। गाइस देखिए कलर कितना खूबसूरत है, एंड कितनी बढ़िया चिकन करी बनी है ये देखिए। और रोगन देखिए आप इसका, और ये प्योर देसी घी है। तो हम 2 चीज़ें डालेंगे, हम धनिया डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च काफ़ी कम लोग डालना पसंद करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि निहारी में डालते हो। और डालेंगे इसमें हम लोग हरी मिर्च, ऑप्शनल हरी मिर्च। अगर आप मेरे जैसे थोड़ा मज़ा आ गया स्पाइसी वाला खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च डालो ना, रहने दो। और आर चिकन करी इज रेडी टू सर्व। पीसेस आप छोटा भी ले सकते हैं, बनाने में आसानी होगी, जल्दी ही बन जाएगा। मैंने बड़ा इसलिए लिया बिकॉज मोस्टली ढाबों में बड़ा ही पीस दिया जाता है। वाह, लुक एट दिस गाइस।